प्रतापगढ़ के लंका नगर नाम के कस्बे में मदन नाम का एक गरीब मिस्त्री था। मदन अपने घर में ही टेबल कुर्सियां बनाया करता था और गांव में अगर किसी का भी कोई लकड़ी का सामान टूट जाए तो उसकी मरम्मत भी वही किया करता था। मदन की बीवी दीपा बहुत ही पंचायती थी। उसके पेट में एक बात नहीं रह सकती थी। गांव में किसी के घर में क्या हो रहा है इसकी उसे अच्छे से खबर हुआ करती थी। लेकिन मदन बहुत ही सीधा साधा था। उसे दूसरों की बातें सुनने में कोई उत्सुकता नहीं थी। पता है, बगल वाली सुषमा ने एक नई साड़ी ली है। अच्छा है ना? उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन जब मैं बाजार गई तो साड़ी वाले ने मुझे बताया कि उसने नई साड़ी ली है। तुम्हें ये दूसरों की पंचायती करके क्या मिलता है दीपा? एक तो आप मेरे लिए नई साड़ी नहीं लाते हो। अगर मैं किसी और का कुछ आपको बताऊं, तो आपको वो भी हजम नहीं होता। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मदन अपने काम में जुट गया और दीपा साफ सफाई में। शाम हुई और मदन के घर सेठ जी आए। सेठ जी के नौकर ने सिर पर दो लकड़ी के बक्से उठाए हुए थे। भाई मदन, इन बक्सों की थोड़ी मरम्मत कर दो। ठीक है सेठ जी, मैं कल तक दोनों बक्से ठीक कर दूंगा। सेठ जी के जाने के बाद मदन ने बक्से खोले और उन्हें जांचने लगा। इसकी तो कुंडी टूटी हुई है और इसका तो ढक्कन ही निकल चुका है। मदन अपने औजार ले आया और उसने पहले टूटी हुई कुंडी बदल दी। अब दूसरे बक्से की मरम्मत करता हूँ। मदन ने ढक्कन ठीक से लगाने के लिए जैसे ही बक्से को उल्टा किया, उसमें से एक चांदी का सिक्का गिरा। अरे वाह! क्या हुआ जी? मुझे इस बक्से में एक चांदी का सिक्का मिला। मुझे भी दिखाइए। हाँ हाँ, ये लो। अब तुम ही इसे संभाल के रखो, वैसे भी मैं इसका क्या करूँगा। दीपा वो चांदी का सिक्का पाकर बहुत खुश हुई। फिर क्या था, दीपा ने वो सिक्का सुरक्षित रख दिया और गुनगुनाते हुए कपड़े सुखाने लगी। दीपा के चेहरे पर चमक देखकर सुषमा ने उससे पूछा, क्या बात है दीपा, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। अब क्या बताऊं, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। ऐसा क्या हुआ? मेरे पति ने आज मुझे एक सोने का सिक्का उपहार में दिया है। हाय दैया, सोने का सिक्का? दीपा घर के भीतर चली गई और सुषमा सोचने लगी। सुषमा कुएं पर पानी भरने गई। अरे ओ विमला, क्या तुमने दीपा के उपहार के बारे में सुना? नहीं, तुम ही बता दो। पता है, दीपा के पति ने उसे उपहार में बहुत सारे सोने के सिक्के दिए हैं। सोने के सिक्के? अब मानो ये बात आग की तरह फैलने लगी। शादी को 40 साल बीत गए और आपने अभी तक मुझे कोई भी भेंट नहीं दी। और वहाँ मदन ने अपनी बीवी दीपा को सोने के सिक्कों और जेवरों से तोल दिया। क्या, सोने के सिक्के और जेवर? हाँ हाँ, सब आपकी तरह कंजूस थोड़ी ना होते हैं। मुखिया जी सोच में पड़ गए। उसी शाम गांव के चौराहे पर सारे पंच इकट्ठे हुए। क्या तुम सब ने सुना मदन के बारे में? हाँ, मेरी बीवी उसकी तारीफ कर रही थी। लेकिन जो भी हो, लगता है मदन को जरूर कोई खजाना मिला होगा। हाँ, हो सकता है। हमें उसे गांव की भलाई के लिए कुछ चंदा देने के लिए कहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अगले दिन ये गांव वालों की टोली सीधे मदन के घर पहुंची। क्या बात है, आज आप सब एक साथ?
मदन, हमें ये पता चला है कि तुम्हें जरूर कोई खजाना मिला है। हम सिर्फ तुम्हें ये कहने आए हैं कि तुम गांव की भलाई के लिए कुछ पैसे गांव को दान दे दो। लेकिन मुखिया जी, मेरे पास तो खुद का घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। अब झूठ मत बोलो, सबको पता है कि तुमने अपनी पत्नी को सोने और हीरो के गहनों से लाद दिया है। सोने के? मैंने तो दीपा को एक चांदी का सिक्का दिया था जो मुझे कहीं मिला था। मुझे दीपा ने बताया कि तुमने उसे सोने का सिक्का भेंट दिया था, लेकिन तुमने मुझे बोला कि उसे बहुत सारे सोने के सिक्के भेंट मिले हैं। और चंदा, तुमने मुझसे बोला कि उसे बहुत सारे सोने के सिक्के और जेवर भेंट में मिले हैं। मुखिया जी, आशा है कि आप सब समझ गए होंगे कि क्या हुआ है। गांव की सभी औरतों ने इस खबर में अपना अपना तड़का लगाया और ये बात एक चांदी के सिक्के से बहुत सारे सोने के सिक्के और जेवरों में बदल गई। इन औरतों की कानाफूसी तो सच ही बदल देती है। सभी औरतें अपने किए पे शर्मिंदा थी। और बच्चों, इसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। इसीलिए हमेशा याद रखो, हमें कभी भी किसी बात में अपना तड़का नहीं लगाना चाहिए, वरना सच झूठ में बदल जाता है। एक समय की बात है, रमेश और सुरेश दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो दोनों साथ में लाला के खेत में काम किया करते थे। दोनों दिन भर बड़ी मेहनत करते और शाम होते ही लाला उन दोनों को कुछ पैसे देता, फिर वो दोनों साथ में घर के लिए निकल पड़ते। ये उनकी रोज की दिनचर्या थी। दोनों की आर्थिक परिस्थिति खराब थी। एक दिन की बात है, दोनों दोस्त खाना खाने बैठे थे। क्या हुआ भाई, आज तुम इतने चिंतित हो? क्या बताऊं रमेश भाई, वही बीबी की रोज की किटकिट, तंग आ गया हूँ जिंदगी से। भाई, इसमें भाभी की क्या गलती, हमारे हालात ही ऐसे हैं। अगर एक दिन हम न कमाएं तो घर में खाने को कुछ भी नहीं होगा। काश हम शहर जाके काम कर सकते। क्या शहर में हमें मेहनत के अच्छे पैसे मिल जाएंगे? हाँ, हमारा वो पड़ोसी था ना नंदन, वो शहर गया था और 2 महीने में उसने इतने पैसे कमा लिए कि उसने अपना नया घर बनवा लिया। भाई, ये तो बहुत अच्छा है, क्यों ना हम भी शहर जाएं और बहुत सारे पैसे कमाएं? विचार तो बहुत अच्छा है, मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ और फिर निकल पड़ते हैं। सुरेश अपने घर पहुँचा। विमला, तुम्हें पता है आज मैंने और रमेश ने एक निर्णय लिया है। कौन सा निर्णय? शहर जाके काम करने का। सच्ची? इसका मतलब बहुत जल्द हम भी अमीर होंगे, हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे, गहने होंगे। अरे वाह। अरे अरे अरे, रुको, थोड़ा सबर रखो, अब तक तो हम गए भी नहीं और तुम पहले ही शेख ही बगाड़ रही हो। सुरेश की पत्नी बहुत ही खुश थी और कुछ ही दिनों में रमेश और सुरेश दोनों शहर के लिए निकल पड़े। दोनों शहर पहुंचे और यहां इन्हें जो काम मिलता वो कर लेते। दोनों खुश थे क्योंकि उन्हें शहर में ज्यादा पैसे मिल रहे थे। देखते देखते 1 महीना बीत गया। मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। मुझे भी, अब तक हमने बहुत सारे पैसे कमा लिए होंगे ना? हाँ, तो चलो हम गांव वापस चलते हैं। हाँ। दोनों गांव के बाहर पहुँचे। आखिर 1 महीने बाद हम गांव वापस आए हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ भाई, लेकिन मुझे एक चिंता सता रही है। कौन सी चिंता? यही कि कहीं मैं ये सारे पैसे 1 महीने में खर्च न कर दूं। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल संभव है। तो हम एक काम करते हैं,
यहाँ ये जो पेड़ है इसमें हमारी आधी कमाई रख देते हैं और एक महीने बाद आके इसे निकाल लेंगे। हाँ, ये तो अच्छा सुझाव है। दोनों ने अपनी अपनी पोटली में से कुछ पैसे अपने पास रख लिए और बाकी के बचे हुए पैसे पेड़ के तने में छिपा दिया। दोनों गांव पहुंचे और खुशी से जीने लगे। अब 15 दिन हो चुके थे और सुरेश अपनी पत्नी विमला के साथ बैठा था। आप जितने पैसे लाए ना, उसमें तो मैं एक हार भी नहीं खरीद पाई। किसने कहा मैंने सिर्फ इतने ही पैसे कमाए हैं? तो रमेश और मैंने अपने आधे पैसे छिपा दिए थे। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि हमसे सारे पैसे जल्द ही खर्च हो जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब रमेश भैया के पैसे भी वही होंगे, मतलब दुगुने पैसे। सुरेश रात के अंधेरे में उसी पेड़ के पास गया और उसने दोनों पोटलियां निकाल ली। अब 1 महीना हो चुका था और दोनों पेड़ के पास पहुंचे। पहले रमेश ने पेड़ के तने में हाथ डाला। भाई, यहाँ तो पोटली नहीं है। क्या, मुझे देखने दो। और अब सुरेश ने पेड़ के तने में हाथ डाला। नहीं है, जरूर तुमने ही मेरे पैसे चुराए होंगे। नहीं नहीं भाई, मैंने चोरी नहीं की। तुमने चोरी की या नहीं, इसका फैसला अब पंचायत ही करेगा। हाँ। रमेश और सुरेश अब पंचायत के पास पहुँचे। 1 महीने पहले जब हम शहर से लौटे थे तो हमने अपनी आधी कमाई एक पेड़ में छिपाई थी और अब जब हम वहाँ गए तो वो वहाँ नहीं है। ये बात सिर्फ मुझे और रमेश को पता थी और मुझे लगता है इसने ही चोरी की है। नहीं सरपंच जी, मैंने चोरी नहीं की है, हो सकता है इसी ने की है। ये तो गंभीर समस्या है, अब इसका फैसला कैसे करें? मेरे पास एक साक्षी भी है। साक्षी? पर कौन? खुद पेड़ में वास करने वाली देवी। जिस पेड़ में हमने पोटली रखी थी उस पेड़ में एक देवी रहती है, हम उनसे ही जाकर पूछते हैं। ठीक है, चलो। सभी लोग पेड़ के पास वापस पहुँचे। हे देवी, आप ही बताइए कि आपके पास रखे हुए पैसों की पोटली किसने चोरी की? कुछ दिनों पहले आधी रात को रमेश ने ही वो पैसों की पोटली चुरा ली। क्या, तुम झूठ बोल रही हो, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। रमेश ने पास पड़ी हुई आग उठाई और पेड़ को आग लगा दी। वहां खड़े लोगों ने विमला को पेड़ से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। तो ये थी पेड़ में वास करने वाली देवी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दोस्त। ऐसा बोल रमेश वहां से चला गया और सुरेश और विमला दोनों रोने लगे। शाइनी, अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।